भाई फोन आ रहा है, फोन देखना एक बार किसका है, फोन देख लो, बस देखना फोन, देखो किसका फोन है। हेलो हेलो जी सर, क्या आप राहुल के फादर बात कर रहे हो? हाँ मैडम, मैं राहुल का फादर बोल रहा हूँ। सर मैं स्कूल से बात कर रही हूँ, क्या आप स्कूल आ जाओगे? जी हुआ क्या, आप बताएं। आप स्कूल आ जाइए, देन फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है मैडम, मैं स्कूल में आता हूँ। भैया मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या हुआ? मैडम का फोन आया, जरूरी काम से बुलाया। अरे भाई हेलमेट तो ले जा, हेलमेट बहुत जरूरी है, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, वो ट्रैफिक वाले बहुत रहते हैं। सॉरी भैया भूल गया था, आगे से ध्यान रखूंगा। सर क्या आपको पता है आपका बेटा कम सुनता है? नहीं नहीं मैडम, मेरा बेटा बहरा नहीं है। सर मैं आपके बेटे को बहरा नहीं कह रही, वो आपके बेटे की कुछ हरकतें देख के हमने उसको टेस्ट करवाया, जिससे हमें ये पता चला कि आपके बेटे के एक कान के सुनने की क्षमता कम हो गई है। मैं अपने बेटे के हर हफ्ते कान साफ करता हूँ, हर हफ्ते उनमें तेल डालता हूँ। सर आपने ये तो गलती करी है, आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं, जिस चीज से आपने बच्चे का कान क्लीन किया है उससे शायद बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गया या फिर कान का पर्दा फट गया है, जिससे बच्चे के एक कान की सुनने की क्षमता चली गई है, कम हो गई है। क्या मैडम बहरेपन की सिर्फ यही वजह हो सकती है? नहीं नहीं, तेज आवाज में गाने सुनना, डीजे का शोर या गाड़ी के हॉर्न का भी शोर हो सकता है। हाँ मैडम मैं भी हॉर्न तेज बजाता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ तेज आवाज में हॉर्न बजाना भी गलत है, इसके अलावा सर ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, तो आप अपने बेटे को किसी अच्छे कान के डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं। ठीक है मैडम, मैं जल्द से जल्द अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाता हूँ। थैंक यू मैडम। आजकल पेरेंट्स जो माता पिता है वो सोचते हैं बच्चों को स्कूल भेज दिया, कोचिंग भेज दिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो हर बड़े लोग अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजकर शिक्षित कर लेते। तो जितना स्कूल के अध्यापक या ट्यूटर बच्चों को ध्यान रखता है उसके डबल दोगुना माता पिता को ध्यान रखना होता है, जिससे बच्चों को सर्वांगीण विकास हो। जो माता पिता अपने बच्चों को सही तरह से ध्यान रखते हैं उन्हीं के बच्चा भविष्य में अच्छा करता है।